वेलकम टू माई चैनल अगैन। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ अपने चैनल में। बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मेरे बेटी अपनी फैमिली के साथ आई हुई थी, ग्रैंड किड्स के साथ, तो थोड़े बिजी थे। तो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो मैं बनाने जा रही हूँ क्रिसमस ट्री पे। तो उम्मीद करती हूँ और बल्कि जानती हूँ, इस बात पर बिलीव करती हूँ कि सबके क्रिसमस ट्री तो ऑलरेडी सज गए होंगे। तो सोचा कि थोड़ा सा क्रिसमस ट्री के बारे में बात करते हैं, जो हमारे व्यूअर्स जो नहीं जानते क्रिसमस ट्री के बारे में, तो और जो जानते भी हैं, जो सजाते भी हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं जानते होते। मैं भी नहीं जानती थी, तो मैंने जब बच्चे छोटे थे तो बच्चों को सिखाने के लिए, क्योंकि जब क्रिसमस ट्री सजाते थे तो वो सवाल करते थे कि हम ये क्यों कर रहे हैं। आपको पता है बच्चे ऑलवेज वाई 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 बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। तो फिर मैं बुक्स में पढ़ती थी, ऑनलाइन जाके देखती थी कि इसका क्या मतलब है, क्यों हम ये कर रहे हैं। तो सोचा वो सारी यादें आपके साथ शेयर करती हूँ और आपको भी बताती हूँ कि जो मैं अपने बच्चों को बताया करती थी, जो बुक्स कहती हैं, अपनी तरफ से मैं कुछ भी नहीं कह रही, जो बुक्स कहती हैं वो मैं बता रही हूँ। तो शेयर करती चलूँ कि जब ये क्रिसमस ट्री मेरी बेटी ने सजाया है और उसका थीम था रेड एंड गोल्ड। आप देख रहे हैं कि हमारे क्रिसमस ट्री पे मोस्टली रेड एंड गोल्ड हैं, और अगर नीचे देखा जाए तो जो गिफ्ट्स हैं वो भी मोस्टली रेड एंड गोल्ड ही हैं, लेकिन बीच में थोड़ा सा आपको ब्लू भी नज़र आएगा। ये जो ब्लू कलर आपको नज़र आ रहा है, ये वी ऑनर दाऊद बिकॉज उसका फेवरेट कलर जो है वो मेरे बेटे का ब्लू होता, ब्लू और वाइट था, तो आपको ब्लू और वाइट भी नज़र आएगा इसमें। तो एक ऑर्नामेंट भी है जो मेरे ग्रैंडकिड जोना ने लगाया है, और दैट्स टू ऑनर दाऊद। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, ऊपर से शुरू करते हैं। ये स्टार आपको नज़र आ रही है ना, लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, पर मेरा ख्याल है कि नज़र आ रहा है बाहर से धूप की लाइट आ रही है। रात को नहीं बना सकती क्योंकि क्रिसमस लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करती हैं। तो स्टार से शुरू करते हैं। ये स्टार जो है इसको स्टार ऑफ डेविड भी कहते हैं। हमारे घर में ये स्टार हमेशा दाऊद लगाता था। तो इसको, ये स्टार वो भी है जो मजूसियों को नज़र आया था, और ये जो है ये स्टार जो है ये बहुत ज़्यादा चमका था और मजूसियों को रास्ता दिखाया था, तो ये उसको भी डिफाइन करता है। और दाऊद का नाम जो है उसका मतलब भी स्टार था, तो हमारे घर में इस बात का भी वो डिफाइन करता है। उसके बाद नीचे आते हैं, मैं थोड़ा करीब जाऊँगी, आई एम सॉरी फॉर द लाइट, ये अब सही नज़र आ रहा है। ये जो ब्रांचेज़ हैं ये ग्रीन है, इसको एवर ग्रीन कहते हैं, क्योंकि ये जो पौधा है क्रिसमस ट्री का, ये हर मौसम में सर्वाइव करता है, हर मौसम में ये करता है, सर्वाइव कर जाता है, सर्दी गर्मी कुछ भी हो, तो इसलिए इसको एवरग्रीन भी कहते हैं। और इसके अगर शाखें करीब जाएं तो ये थॉर्न की तरह हैं, जैसे कांटों की तरह। तो बुक्स कहती हैं कि ये जीसस क्राइस्ट के सिर पे जो रखा गया था कांटों का ताज, उसको भी डिफाइन करती हैं। तो ये जो क्रिसमस ट्री है ये शुरू हुआ 1647 से 1647 में जर्मनी में, इसका क्रेडिट जर्मनी से जाता है। क्रिसमस ट्री जो है वो जर्मनी से शुरू हुआ था और यहाँ अमेरिका में आया था 1837 में, 1837 में ये अमेरिका में फर्स्ट टाइम रॉकफेलर सेंटर पे लगाया गया था। तो उसके बाद ये हर साल लगाया जाता है। कल की न्यूज़ के अनुसार जो क्रिसमस ट्री लगाया गया रॉकफेलर सेंटर पे, उस पर 25,000 लाइट्स लगाई गई हैं। तो हमारे क्रिसमस ट्री पे तो मेरा ख्याल है 500-600 ही होंगी, लेकिन अभी जलाऊंगी तो फिर वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो मैं इसके बाद जो है, ये एक आपको फूल नज़र आ रहा है, ये जो फूल है इसको कहते हैं पोनिनसेटा। ये मैक्सिको से शुरू हुआ था। एक बच्ची जो है, जब बच्चे लेके जा रहे थे क्रिसमस चर्नी के पास अपने गिफ्ट्स, तो वो बच्ची रो रही थी कि मैं क्या जीसस को दूँ। तो उसकी माँ, वो फार्मर्स थे, तो उसकी माँ ने उसको सीड्स लपेट के दे दिए कि आप ये जीसस को प्रेजेंट करेंगे तो वो इसको भी कबूल करेंगे। तो ये फूल वहाँ से चला और अब ये पूरी दुनिया में मेरा ख्याल पाया जाता है। अमेरिका में तो मैंने बहुत ज़्यादा देखा है क्रिसमस पर लोग एक दूसरे के घर में लेके जाते हैं, बाहर भी सजाते हैं। तो ये इस फूल की हिस्ट्री ये है। ये थोड़ा सा नीचे जाऊंगी तो मैं आपको अपने क्रिसमस ट्री के हिसाब से दिखाऊंगी। ये आपको एप्पल नज़र आ रहा होगा,
ये एप्पल जो है ये क्रिसमस ट्री पे लगाया जाता था शुरू में जब लोग थे आई एम सॉरी थोड़ा गला ख़राब है तो वो ये एप्पल जो है एडम ऑफ एप्पल भी इसको कहा जा सकता है। और शुरू में जब लोग क्रिसमस ट्री से जाते थे तो इस तरह के ऑर्नामेंट्स तो नहीं होते थे, तो वो ऐसे फल वगैरह अपने क्रिसमस ट्री पे लगाते थे। और वो इसको जो है लाइट्स, उस वक्त लाइट्स भी नहीं होती थी तो वो लगाते थे कैंडल लाइट्स लगाते थे। आजकल तो कैंडल लाइट्स नहीं लगा सकते, आग लगने का ख़तरा होता है, तो वो लोग बाहर लगाते थे और कैंडल्स लगाते थे रोशनी को करने के लिए। और वो कहते थे कि रोशनी जो है उस वक्त के अनुसार कि जो है वो अच्छी गुड लक आती है और बैड लक जो है वो जाती है। तो इस ट्री के साथ ये बात भी जुड़ी हुई है, जर्मनी से जब ये क्रिसमस ट्री शुरू हुआ था तो उस मुल्क से। फिर कोई जर्मन का बंदा इधर आया था फिलाडेल्फिया में 1829 में, तो उन्होंने अपना पहला क्रिसमस ट्री जो है वो लगाया था 1830 में फिलाडेल्फिया में। तो लेकिन जो है वो चलते चलते रॉकफेलर सेंटर तक, तो 1847 में पहला क्रिसमस ट्री कंस्ट्रक्टर वर्कर्स ने लगाया था। तो अभी थोड़ा सा करीब चलते हैं। ये जो गोल्ड हमारा थीम इस दफ़ा, मेरी बेटी का जो थीम मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वो रेड और गोल्ड था, तो ये जो बल्ब आपको नज़र आ रहे हैं ये रोशनी को ही डिफाइन करते हैं। और ये जिस पे मैं अभी फोकस कर रही हूँ ये एक किस्म का कहने के गिफ्ट टाइप भी बना हुआ है, ताज के टाइप भी बना हुआ है। तो ये हमारे मज़हब को, हमारे खुदा को डिफाइन करता है कि वो कुल दुनिया का बादशाह है। और ये जो रेड एंड गोल्ड है और ये जो रेड कलर है ये उनके खून को भी करता है कि उन्होंने हमारे लिए अपना खून बहाया और इस दुनिया का के लिए निजात का बाइस बने। तो और आपको दिखाती चलूँ कि क्रिसमस, शायद ये सेंट निकलस क्रिसमस बाबा या क्रिसमस फादर की आपको क्रिसमस ट्री पे लगा नज़र आ रहा है। इनकी हिस्ट्री ये है, क्रिसमस फादर तो सारी दुनिया अब जानती है, लेकिन ये अब तो मिसेस सेंटा क्लॉस भी बन गए, लेकिन उनका कोई हिस्ट्री में जिक्र नहीं है। ये क्रिसमस फादर जो हैं ये सेंट निकलस थे, ये कैथलिक बिशप थे। इनके वालदैन की जब डेथ हो गई, वो गुजर गए, तो उनके पास बहुत पैसा था, तो उस साल उन्होंने क्रिसमस ट्री क्रिसमस पे गरीब बच्चों की हेल्प करने के लिए तो गिफ्ट्स वगैरह लिए, तो वो उनके घरों में, वो कहते हैं क्रिसमस फादर चिमनी से आते हैं, लेकिन जो सेंट निकलस थे वो चिमनी से नहीं आ सकते थे, लेकिन वो चिमनी से गिफ्ट ज़रूर नीचे फेंकते थे कि जो गरीब बच्चे हैं तो उनका वो भी क्रिसमस जो है वो अच्छे से मना सकें। इससे ये होता है कि हमें भी क्रिसमस पे ज़रूर एक दूसरे के साथ तो हम करते ही हैं, तो लेकिन किसी अनजान के साथ भी क्रिसमस ट्री के नीचे उसके लिए गिफ्ट रखें, उनको दें और अपना जो फॉर्चून है दूसरों के साथ वो शेयर करें। ये मेरे क्रिसमस ट्री पे आपको ये जिंजर ब्रेड का भी ऑर्नामेंट नज़र आ रहा होगा। इसकी हिस्ट्री ये है कि जिंजर ब्रेड जो है ये स्पाइस ऑफ विंटर भी इसको कहा जाता है बुक्स के अनुसार। और ये उस वक्त लोग जो है वो जिंजर की ब्रेड बनाते थे तो वो एक दूसरे के घरों में बेचते थे। आजकल बच्चे जो है जिंजर ब्रेड का वो घर सा बनाते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं, पर बहुत सारे बच्चों को इसका पता भी नहीं है। लेकिन बच्चों को बताना चाहिए, जब मेरे बच्चे छोटे थे तो जो भी ऑर्नामेंट वो लगाते थे तो मैं फिर उनको उसके बारे में बताती थी कि इसका क्या मतलब है, हम ये क्यों अपने क्रिसमस ट्री पे लगा रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज आपके साथ ये चीज़ें शेयर करती हूँ। तो ये जिंजर ब्रेड जो है ये इसलिए ये ऑर्नामेंट लगाया गया है क्रिसमस ट्री पे, इसलिए लगाते हैं उस याद में कि लोग एक दूसरे को जिंजर ब्रेड बना के एज ए गिफ्ट भेजा करते थे एक दूसरे के घर में। ये हमारे दाऊद की आपको तस्वीर नज़र आ रही है, इस तस्वीर में वो आई थिंक 6 साल के हैं। इसके साथ ही अगर हम नीचे चलें तो एक क्रिसमस ये ऑर्नामेंट दाऊद ने बनाया था जब वो फर्स्ट ग्रेड में थे, तो इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि ब्लू कलर जो है वो इसलिए मैं वाइट और ब्लू जो है वो हमारे ट्री के नीचे गिफ्ट्स में भी नज़र आएगा और थोड़ा सा उसमें भी नज़र आएगा। तो ये उनकी मतलब हम लगाते हैं, सारे बच्चे बना के लाते हैं और वो फिर माँ बाप जो हम अपने क्रिसमस ट्री पे लगाते हैं। इधर एक और मैं आपको दिखाऊं, ये है इसको स्टॉकिंग कहते हैं, ये मेरी बेटी ने 208 में ऊपर आया भी है, स्कूल में बनाया हुआ है। और
ये उस लैटिन में उसको लिखा हुआ है, अब सच पूछें तो मुझे खुद भी नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, लेकिन वो लैटिन क्लास में उसने ये बनाया था। तो फिर ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये माँ बाप थे क्रिसमस ट्री पे लगाते हैं तो याद रखते हैं। तो ये एक और तस्वीर आपको नज़र आएगी अनमोल बाजी, अनमोल की मेरी बेटी की, वो जब भी बहुत छोटी थी। और ये रेड एंड गोल्ड कलर जो है, ये रेड कलर जीसस क्राइस्ट के ब्लड को डिफाइन करता है, गोल्ड कलर के वो दुनिया के बादशाह हैं। और ये विंग्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमने थ्रू ऑनर दाऊद हमारे ईमान है कि वो आसमान पे फरिश्तों की जो कहते हैं जो पहले चले जाते हैं अपनी बहुत जल्दी वो ऊपर फरिश्ते बन जाते हैं, स्टार्स बन जाते हैं। तो ये मेरी बेटी ने दाऊद की मेमोरी में ये विंग्स, एंजल विंग्स लगाई हैं। और क्या बताऊँ, ये ब्लू ऑर्नामेंट मैं बता रही थी आपको नज़र आ रहा है। ये हमारा क्रिसमस ट्री है। अभी तक आप सबका तो क्रिसमस ट्री सज गया होगा, तो हमारी तरफ से आपकी सारे परिवार को बहुत बहुत मेरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर। ये हमारे किड्स हैं, इनमें से बहुत सारे किड्स ऐसे हैं जो हम नहीं जानते किन के लिए हैं, जिनको भी मिलेंगे दाउन को बरकत।